इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर बी के मुरली द्वारा संचालित होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल। फुटाला तालाब म्यूजिकल एंड लाइट शो का दूसरा दिन भी फवारों के रंगों और झिलमिलाती रोशनी से सरोबार नजर आया। तारीख 25 अगस्त की शाम भी नागपुर वासियों ने इस लेजर शो का मजा लूटने के लिए काफी उत्साह और भीड़ इकट्ठा की। लेजर शो की प्रस्तुति नागपुर महाराष्ट्र की भाषा मराठी में और उसमें चार चांद लगाने वाली अभिनेता नाना पाटेकर की आवाज गुरुवार की शाम का आकर्षण और खासियत रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने खुद देश के पहले म्यूजिकल एंड लाइट शो के संबंध में जानकारी दी। फुटाळा तलावाच्या काठावर बसून जर आपण नागपूरच्या इतिहासाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला तर आपण कुठल्या नागपूर हे गाव पहिलं आणि काळ बदलतच असतो। 13व्या शतकात जेव्हा दक्षिणेत यादवांचं राज्य होतं तेव्हा मराठी साहित्यानं खूप प्रगती केली। नागपूरची सामान्य जनता सुद्धा तेव्हा मराठी भाषेत बोलत होती। मराठीचे पहिले कवी मुकुंदराज यांचा उल्लेखही आज काळात आठवतो। हेमाद्री नावाच्या यादव राजांना आपल्या काळात अनेक मंदिरं आणि इमारती सुद्धा बांधल्या आणि ती हेमाडपंथी स्थापत्य कला या नावाने प्रसिद्ध झाली। आदा शाह राजभोग परिवाराच्या या शासकांना नागपूरच्या अवतीभोवती असलेली छोटी मोठी गावं जिंकून नागपूरला शक्तिशाली बनवली।
आपला राष्ट्रीय ध्वज फडकवला गेला. 16 एप्रिल 1930 रोजी नागपूर बॉर काउन्सिल तयार केली गेली. 12 ऑगस्ट 1942 रोजी नागपूरच्या इतवारी भागातील रेल्वे गोदामाला आणि पोस्ट ऑफिसला आग लावण्यात आली. ही घटना क्विट इंडिया म्हणजेच भारत छोडो या आंदोलनाचा एक भाग होता. 1942 मध्ये जेव्हा काँग्रेसने क्विट इंडिया ही चळवळ सुरू केली त्यावेळी नागपूरनं संपूर्ण शक्तीनिशी त्या चळवळीला साथ दिली. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला. नागपूरच्या ऐतिहासिक सीतारेड्डी किल्ल्यावर राष्ट्रध्वज फडकवला गेला. October 1956 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरमध्ये 380,000 लोकांनी बुद्ध धर्म स्वीकारला. दीक्षाभूमी हे नागपुरातील एक मोठे पावन स्थळ आहे. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे अशी की रॉयल बेंगॉल टायगरसाठी सुद्धा नागपूर शहर प्रसिद्ध आहे. नागपूरला संत्रा नगरी या नावासह टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया या नावाने देखील संबोधलं जातं. बहुत खुशी की बात है कि हमारे नागपुर में आज ये ट्रायल शो हो रहा है. अभी भी इसमें काफी चेंजेस होने वाले हैं. ये जो मैं खड़ा हूँ इसके पीछे में जो फाउंटेन है उसमें करीब 3,000 स्क्वायर फीट का फ्लोटिंग स्टेज बनने वाला है और उसके पीछे में एक बहुत बड़ा पेड़ है जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के रूप में काम करेगा. आपके एग्जैक्टली जो स्टेडियम में बैठे इसके पीछे में एक करीब 9 मंजिले की बिल्डिंग बनाई गई है, उसका काम शुरू है. उसमें 3rd मंजिले से 30,000 स्क्वायर फुट का फूड मॉल है और करीब 950 गाड़ियों का ऑटोमेटिक पार्किंग है. और उसमें हर मंजिले पर जो फुटपाथ पर हम खाते हैं वही फूड बहुत बड़े हॉल में आपको उसी रेट में खाने के लिए मिलेगा. इसके बाद 7वें मंजिले पर रेस्टोरेंट्स है, 8वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है और 9वें मंजिले पर रेस्टोरेंट और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है. जो ज़्यादा पैसा दे सकते हैं वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ खा सकते हैं. जो तेलंगड़ी बगीचा है उसको हम सुंदर बना रहे हैं. उसके एंट्री पॉइंट पर 700 गाड़ियों का पार्किंग होगा और वहाँ से पैदल आकर आप म्यूजिकल फाउंटेन तक आ सकोगे. वो हमारे तेलंगड़ी बगीचे में करीब 350 कमल की जाति है और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम शुरू हुआ है. और इसके सामने विशेष रूप से जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ हमारे नर्सरी में हमने गुलाब की जातियाँ इकट्ठा की है. करीब 3,500 गुलाब की जातियाँ इकट्ठा हुई है और वो सब आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा. वहाँ इसके पीछे में एक बहुत बड़ी चौपाटी बन रही है जो बॉटनिकल गार्डन के ऊपर है. सब काम अब शुरू हुए हैं और भी बहुत सी बातें हैं. जैसा हमारा टाइगर कैपिटल है और एक सिटी है, ये हमारी विश्व में एक प्रतिमा है, वैसा ये म्यूजिकल फाउंटेन ये हमने देवेंद्र जी से मैंने चर्चा की है और उन्होंने भी स्वीकृति दी है. इसका नाम स्वर्गीय लता मंगेशकर म्यूजिकल फाउंटेन होने वाला है. ये जो आपको नागपुर का शो बताया जा रहा है उसमें भी कुछ सुझाव आए हैं और विशेष रूप से सबसे आखिरी में राष्ट्रगीत को भी रखा गया है और बाद में पानी के स्क्रीन पर स्वाधीनता का अमृत महोत्सव और लता मंगेशकर जी का फोटो भी म्यूजिकल फाउंटेन का इसमें आएगा. इसमें अनेक प्रकार के कंप्यूटराइज कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि इसकी अंग्रेजी कॉमेंट्री अमिताभ बच्चन जी ने दी है निःशुल्क. मराठी कॉमेंट्री नाना पाटेकर जी की है और पिछले 2 दिन में जो हुआ उसमें हिंदी कॉमेंट्री गुलजार साहब की थी. इसका जो शुरुआत में संगीत है वो AR रहमान साहब ने बनाया है, बहुत सुंदर है. और इसके साथ साथ इसका जो पूरा काम जिन्होंने किया वो रेवती करके तमिल और तेलुगु फिल्म की बहुत बड़ी अभिनेत्री है उन्होंने किया है. नागपुर में हमारे भाऊ सालपेकर जो इसके पूरे कंसल्टेंट है और जयंत खड़का इन्होंने इसमें काफ़ी बड़ा काम किया है. और ये गैलरी का काम जो है वो नागपुर मेट्रो ने ये रोड का काम, गैलरी का काम और बाद में वो जो पीछे में बिल्डिंग बन रही है वो काम मेट्रो कर रही है. ये DP जैन जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने किया है. जब इसका उद्घाटन होगा
तो इसमें से जितने लोगों ने इसको कंट्रीब्यूट किया है उनका हम बहुत बड़ा सत्कार करेंगे। और हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि लता मंगेशकर म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन इस देश का कोई सर्वश्रेष्ठ कलाकार ही आकर करे हमारी उपस्थिति में। तो हमारी कोशिश है, मैं अमिताभ बच्चन जी के बीच में ही 7-8 दिन पहले मिला था, उनको मैंने रिक्वेस्ट की और मुझे विश्वास है कि उस दिन नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन और गुलजार साहब इन्हों भी आने वाले हैं और यहाँ इसका अच्छा उद्घाटन करेंगे। पर तब तक ये काम अधूरा है, इसमें कोशिश ये है कि इसमें जो सुझाव आपके आएंगे, जो सुझाव आप भेजेंगे उसका उपयोग करेंगे। ये गैलरी में झूमर लगाने की बात आई है, एक अच्छा सुझाव हमारे जिलाधिकारी ने दिया है कि हमारे इसको पूरी 1 मेगावाट पावर लगती है, इसका 24 लाख रुपए महीने का बिल है। तो हम लोग पानी के अंदर एक फ्लोटिंग सोलर पैनल डालने की बात उन्होंने सुझाव दिया है। अब मैंने कहा कि ये फ्लोटिंग करने के बजाय रूफटॉप सोलर का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बीच में हो और नाव में बैठकर लोग वहाँ खाना खाने के लिए या रेस्टोरेंट में जा सके ऐसी व्यवस्था हो। या वाटर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, यहाँ से अंबाजरी में हम लोग रोप लगाकर लटकते हुए हिंगना तक, ये हमारे हल्दीराम वाला जो है वहाँ से लेकर उसकी योजना है। और अंबाजरी में भी स्वामी विवेकानंद जी के लाइट एंड साउंड शो का भी काम जोरों में शुरू है, 1-3 महीने में उसका भी इनॉग्रेशन हम करेंगे। तो बहुत खुशी है कि आप सबके सहयोग से ये हो रहा है। इसमें नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने म्यूजिकल फाउंटेन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं और बाकी पैसा सेंट्रल रोड फंड से है, मेरे विभाग से लाकर हमने ये काम पूरा किया। मुझे बहुत खुशी है कि आप इसका आनंद लीजिए। हम नागपुर के प्रख्यात लोगों को बुलाते हैं, आज डॉक्टर कापरे साहब यहाँ आए हैं और उनके लिए मैं विशेष रूप से ऋण व्यक्त करूँगा कि हमारे मेघाट में गढ़चिरौली में जो वनवासी आदिवासी है उनके कान के नाक के ऑपरेशन निःशुल्क रूप से डॉक्टर साहब ने किए हैं और इसलिए हमारे नागपुर के बहुत विश्वविख्यात डॉक्टर हैं, आज आए मैं उनका स्वागत करता हूँ, अशोक मानकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे आज हमने करीब 40 करोड़ की सामग्री दिव्यांग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्यक्रम शुरू किया था। अभी समाज कल्याण मंत्री यहाँ आए थे, उनका हमने सत्कार किया और हमारे नागपुर के सब लोगों को, किसी को व्हील चेयर मिली, किसी को पैर लगा कर मिला, किसी को दांत मिले, किसी को हियरिंग मशीन मिली। मीना साहब जो हमारे इस कार्यक्रम के जिन्होंने हमको सहयोग किया, वो पिछले कार्यक्रम में आने वाले थे, थोड़ी देरी हुई। नागपुरच्या इतिहासातून नागपूरचं महत्त्व सांगण्याचा याच्यात फार चांगला प्रयत्न केलेला आहे आणि नागपूरला जागतिक कीर्तीचं शहर करण्यामध्ये आदरणीय नितीनजी गडकरी यांची ही जी संकल्पना आहे ही एक माइलस्टोन म्हणून साबित होईल। आजचा हा अत्यंत ऐतिहासिक दिवस आहे नागपूर शहराच्या दृष्टिकोनातून आणि त्याच्यामुळे सर्व इथे जेवढे हजारो लोक उपस्थित होते सर्व आनंदित आहेत। याच्यात लोकांच्या ज्या काही सूचना आहेत, कालपासून सूचना येतात आहे आणि त्याच्यामुळे याच्यात आणखीन त्यांच्या व्हॅल्युएबल सूचना ज्या राहतील त्याच्या अनुषंगाने याच्यात अंतिम बदल करून मग याचं उद्घाटन करण्यात येईल। नाही, ती तारीख तर सरकारी लेवलवर आणि एक जसं नितीनजींनी सांगितलं की मोठा कलाकार बोलवूनच त्याचं उद्घाटन केलं जाईल, तर त्या तारखा तशा कळतील आहे। नागपूरकरांना कुठला संभ्रम नाही आहे कारण गडकरीजींनी जे काम हातात घेतलं ते तडीस नेल्याशिवाय राहत नाहीत आणि आज प्रत्यक्षपणे या ठिकाणी प्रात्यक्षिक नागपूरच्या जनतेने पाहिलेला आहे, त्याच्यामुळे संभ्रमाचं काही प्रश्न नाही आहे। इतकं छान सराउंडिंग दिसला इथे आणि जे व्ह्यू सांगितले आणि जे हिस्ट्री सांगितली नागपूरची ती अतिशय इतकी छान वाटली की ते ही सांगत आहे, बस हेच सांगणार मी तुम्हाला। आणि खूप फॅमिली आणि फॅमिली येण्यालायक इतकं छान जागा आहे ही। आधी तर जे काही कपल्स यायचे पण आता जे आहे फॅमिली येण्यालायक आहे आणि आवर्जून सांगते फॅमिली लिहिना येते यावं आणि ही शो बघावं। गर्व तर वाटला पण इतकं आहे की मेन म्हटलं तर नागपूरची जी हिस्ट्री आपल्या यूथ जनरेशनला माहिती नाही होती ते आज त्या मेसेजने कळाली, हे मला खूप प्लस पॉईंट वाटलं यामध्ये। आणि खूप म्हणजे इतकं डीपली हिस्ट्री सांगण्यातलं म्हटलं तर आपल्याला हे इतकं पण नाही माहिती होतं ज्या जिथे सांगण्यात आलं। महाराष्ट्र TV24 के लिए आचल लोखंडे नागपूर। क्या आपको भी पसंद है मशीन्स की साइंस को समझना और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में अपने नए नए आइडियाज से कमाल करने का? तो अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के चक्कर लगाना भूल जाइए, क्योंकि कैलाश वर्षीय लक्ष्मण राव वस्ताद उसके द्वार IIT एवं मल्टी स्किल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
आपके लिए लाया है ITI में शिक्षा व रोजगार के लिए सुनहरा मौका। इतना ही नहीं, अगर आप हैं 10वीं पास तो मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जैसे अन्य सेक्टरों में जॉब के लिए मुफ्त प्रवेश। और SC ST या OBC स्टूडेंट्स को मिलेंगी बम्पर स्कॉलरशिप। और अब ग्रामीण छात्रों की सुविधा के लिए इंडस्ट्री लाई है विहिर गांव में भी अपनी ब्रांच, मल्टी स्किल इंडस्ट्री ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट विहिर गांव नागपुर। तो देर किस बात की, ऐसा सुनहरा मौका हाथ से ना जाने दे। हमारा पता स्वामी समर्थ मंगल कार्यालय के पास, महाड़ी नगर, फुड़केश्वर रोड, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 07127438889 पर या कॉल करें 9767017891 पर।